हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और मैं भी 3 4 दिन के बाद जो है अभी जिम आया हूँ। 3 दिन तो मिस हो ही गए हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और रूम पे ही वर्कआउट किया था। तो अभी भी यहाँ पर ना जिम में लोग आए ही नहीं है ठंड की वजह से। हम 2 ही 3 लोग हैं। आज चेस्ट का वर्कआउट अपना करते हैं, म्यूजिक चल रहा है। तो दोस्तों, आज करने वाले हैं चेस्ट का वर्कआउट। तो सबसे पहले कर लेते हैं बहुत बाल खराब हो जाते हैं, लेकिन टोपा लगाने से एक तो है बाल तो खराब हो ही जाते हैं, लेकिन ठंड बच जाती है क्योंकि जिम में गर्मी लगने लगेगी। तो इसको निकाल देते हैं फटाफट से, वार्म अप करते हैं, स्टार्ट करते हैं चेस्ट का वर्कआउट। गदर एकदम खतरनाक वाली चेस्ट हो गई है क्योंकि डाइट भी अच्छी रखी थी इस वीक की और वर्कआउट भी बहुत अच्छे से किया है। दिखाऊंगा वर्कआउट आपको अभी चेस्ट का। तो गाइस, वार्म अप हो गया है अपना, स्टार्ट करते हैं बेंच से चेस्ट की एक्सरसाइज। और आप कहाँ से शुरुआत करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना चेस्ट का वर्कआउट। गाइस, वो वाला फोन डाउन हो चुका है तो इस वाले से शूट कर रहे हैं वीडियो और ऑलमोस्ट 3 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। 2 बचे हैं। चेस्ट लगाने में बहुत मज़ा आ रहा है। वीडियो पूरी देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। मज़ा आ रहा है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग वर्कआउट है आज का। पूरा वीडियो देखना और चेस्ट की सेप तो आप देख ही रहे होंगे, पहले से काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। हल्का पोज था और ही भयंकर आएगा सुनने में। गाइस, पूरा वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है, बॉडी भी दिखाई, बाकी का वीडियो पूरा बने रहना और भी कुछ बातें करेंगे। पहुँचते हैं फटाफट से रूम पे। वर्कआउट फिनिश हो चुका है, टाइम अप्रोक्स 10:30 का हो गया है, रात का है PM। और हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं वर्कआउट, निकल रहे हैं, जिम भी बंद होने वाली है। एक बच्चा है पैरेलल बार, जैसे घोड़ी कहते हैं ये सेट, लास्ट इसको कंप्लीट कर। गाइस, वर्कआउट पूरा कंप्लीट हो चुका था, आ गए हैं रूम पे और यही है मेरी दुनिया। मेरा स्टडी रूम, मेरा बेडरूम, मेरा किचन, बाथरूम तो उस पार है दरवाजे के, ये दरवाजा है। रूम का भी मैंने टूर कराया था। फिलहाल ये तो मस्ती की बातें हो गई। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। इत्मीनान से बैठ जाता हूँ और फिर मैं बात करता हूँ। दोस्तों, हो क्या रहा है कि ठंड का मौसम है और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इस बीच ना तो हम अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हैं, ना अपने दिनचर्या के काम छोड़ सकते हैं, ना वर्कआउट छोड़ सकते हैं। अब जो मेन चीज़ है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। देखिए, ठंड तो पड़ेगी ही पड़ेगी जब मौसम सर्दी का है। आप अपने काम से चीट मत करना, अभी वर्कआउट करते रहोगे, अपनी फिजिक अभी तैयार करते रहोगे। गर्मियों में मई जून के टाइम में आपको अच्छी फिजिक तैयार होकर मिल जाएगी। जब होली के बाद वाला मौसम हो जाता है, थोड़ा धूप धूप होने लगती है, अच्छी फिजिक तैयार हो जाएगी। और अभी वर्कआउट नहीं करोगे तो देखो पानी भी नहीं पियोगे, ये भी चीज़ है। और वर्कआउट कर रहे हो या ना कर रहे हो, बिल्कुल भी ना कर रहे हो या कर रहे हो, पानी तो आपको पीना है 3 से 4 लीटर डेली दिन में, क्योंकि सर्दी के मौसम में प्यास कम लगती है, बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं गर्मियों में प्रॉब्लम होने लगती है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, 2 3 बार बता चुका हूँ, वर्कआउट करते रहें, मिस ना करें। ठंड है तो रजाई के चक्कर में घर से, देखिए एक
वर्कआउट करने वाले इंसान के लिए ना बिस्तर से उठ के अपने जिम तक पहुंचना या फिर वर्कआउट फील्ड तक पहुंचना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और जो इंसान उठ सकता है वहाँ तक पहुंच सकता है तो फिर वो वर्कआउट भी कर सकता है। हेल्थ के लिए क्या यार, तुम लोग बाकी टाइम भी तो बर्बाद करते रहते हो, तो घंटे भर का टाइम तो निकाल सकते हो। सर्दी है, पुल अप पुशअप घर पे कीजिए, रनिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, रस्सी कूदिए, खुद को फिट रखिए। सबसे पहला सिद्धांत है जो मैं फॉलो करता हूँ, और आप सब लोग मुझे देखते हैं तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करता हूँ। फिटनेस मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का। आप स्वस्थ रहेंगे सब कुछ कर सकते हैं, और स्वस्थ नहीं रहेंगे कुछ नहीं कर सकते हैं। आप डॉक्टर के पास भागते रहेंगे, आपको बीमारियां रहेंगी, ना आप पढ़ाई कर पाएंगे, ना बिजनेस जॉब या फिर कोई भी ऑफिस वर्क नहीं कर पाएंगे अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा। तो सबसे पहले फोकस करना है शरीर पे, बाकी सारी चीज़ों पे अपने आप फोकस हो जाता है जब हम अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान देते हैं, अपनी तरफ ध्यान देते हैं। देखिए दूसरों की तरफ मत देखिए, मैं बार बार वही चीज़ आपसे कह रहा हूँ, और जो मैंने मेरी लाइफ में सीखा है इस बंद कमरे से, मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये किताबें मेरे सामने रखी हैं, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। फर्स्ट थिंग सुबह उठने के बाद मेरी रहती है जो, वो है जिम। सबसे पहली, अगर सुबह में मिस हो रही है तो आज, जैसे कि मैं आज गांव गया हुआ था, आया हूँ तो फिर इवनिंग में इसलिए वर्कआउट किया और लेट हो गए, कुछ नोट्स वोट्स थे मेरे वो तैयार कर रहा था तो लेट हो गया। लेकिन सुबह में जिम 1 घंटे का टाइम निकाले, उसके बाद आप कुछ भी करते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आप पूरा दिन कैसे यूज़ कर रहे हो, लेकिन सबसे पहला 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए दीजिए। देखिए आपको पता भी नहीं चलता है, आप कम से कम 4 से 5 घंटे फ़ोन पे आप अपना और टाइम जो है बर्बाद कर रहे हो। और दोस्त जितना हो सके पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो, ऐसे लोगों के साथ में रहो जो तुम्हें कुछ सिखा सकें या तुम उनसे कुछ सीख सको जो तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर हो। ऐसे लोगों के साथ में मत रहो जो आपको निगेटिव कर रहे हैं या फिर आपको आपके गोल से भटका रहा है, ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ। और सबसे अच्छी जो मुझे मेरी लाइफ में लगी है, इतनी उम्र जो मेरी हो गई आज तक की 20-22 साल की समथिंग, मैंने जो सीखा है सबसे बड़ा गुरु किताबों के अलावा कुछ भी नहीं है दुनिया में। फर्स्ट माँ बाप, और दूसरा आप किताबों से या फिर टीचरों से सीखते हैं, तो किताबों का साथ तो कभी ना छोड़ें। देखिए दोस्त, गवर्नमेंट जॉब मिलना ना मिलना ये एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके पास ज्ञान होगा अगर आप बुक्स को पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गणित को या फिजिक्स को या जो भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इसी को रटते रहें। फ्री टाइम के लिए आप ये बुक्स भी पढ़ सकते हैं। देखिए इस साइड जो मेरी लगी है, फ्रंट कैमरे से नहीं दिख रही होंगी, मैंने वीडियो भी डाली थी उसमें देख सकते हैं, बहुत सारी बुक है, रिच डैड पुअर डैड, और सबसे मेरी जो फेवरेट बुक है और मैं कहता हूँ हर किसी को पढ़नी चाहिए, और इस साल अगर आपने ये 5-7 दिन में ये बुक ख़त्म कर दी तो मैं कहता हूँ कि आने वाले 2023 में जो जो चीज़ें नहीं है आपके पास वो सारी चीज़ें आने लगेंगी। उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता, जिसने, मैंने अभी पूरी पढ़ी भी नहीं है, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ काफ़ी हद तक चेंज हुई है, और इसी साल मेरा टारगेट है कि उसको कंप्लीट करने के बाद 2023 में जब मेरी एंट्री हो तो मैं हर उस छोटी से छोटी चुनौती से बड़ी समस्या हमारे जीवन में आकर रुकावट बनती है उससे लड़ सकूं, जूझ सकूं, उसको समझ सकूं। देखिए दोस्तों, दूसरों को समझना बहुत बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन खुद को समझना, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी अंतरात्मा में क्या चल रहा है, इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मैं हमेशा से कहता हूँ अपनी ऑडियंस से या जो भी लोग मुझे देखते हैं कि दोस्त, दूसरों पे फोकस मत कीजिए, आप खुद को देखिए, स्वयं से बात कीजिए, अपने अंदर झांक के देखिए कि जो इंसान आपके अंदर बैठा है वही सिर्फ और सिर्फ आपको आगे ले जा सकता है, आपको भविष्य में हर उस परेशानी से लड़ने के लिए मजबूत कर सकता है जिससे आप जूझते हैं और टूट कर बिखर जाते हैं। एक लास्ट और बात जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, आप इंतज़ार मत करिए कि कोई आपका दिल तोड़ के जाएगी, तभी आप 6-6 8-8 घंटे पढ़ेंगे, तभी आप जिम जाएंगे,
तभी आप गलत चीज़ों को छोड़ेंगे। आप पहले से उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, जीवन बदल जाएगा। देखिए, एक दो बार ऐसा आता है कि लड़का टूट कर बिखर जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि कौन सी घटना ऐसी तुम्हारे जीवन में हुई जिसकी वजह से तुम इतना मायूस हो गए। और उन सभी फैमिली वालों से या फिर रिश्तेदारों से दूर रहने लगे, अकेले घुटने लगे, तो वो नौबत ना आए। चिल करो लाइफ को, बहुत ही मस्त लाइफ है। और जब भी मन ना लगा करे, मैं फिर कह रहा हूँ, एक चैप्टर उठा के, एक श्लोक उठा के, चैप्टर को तो छोड़ो, भगवत गीता का एक श्लोक उठा के पढ़ लिया करो। आपको अंदर से विश्वास महसूस होगा। और हार मत मानो मेरे दोस्त, आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने किया है मेरी लाइफ में, और वही एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। पढ़ाई करते रहिए, सीखते रहिए, खुद पर भी ध्यान दीजिए, एक साइड इनकम सोर्स भी जनरेट करिए ताकि आपको हेल्प मिल सके आपके डेली खर्चों के लिए। चैन दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, मैं बात करने लगूँ तो फिर करता ही रह जाता हूँ। और फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें बहुत सारी बातें करेंगे। और आप कमेंट में बता दिया करो कहाँ से वीडियो देख रहे हो, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट करके कमेंट कर दिया करो, और नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सीखना है आपसे, मैं सीख रहा हूँ आपके कमेंटों के ज़रिए, और जो मैं मेरे गुरुओं से सीख रहा हूँ आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। टेक केयर, बाय बाय दोस्त।